हाँ स्टूडेंट, तो इसके पहले हम लोगों ने आउट ब्रीडिंग डिवाइस पढ़ा और उसमें इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन ये सारे डिस्कस किए। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो देखो, जब भी पॉलन ग्रेन और पिस्टल ये जो इंटरैक्शन है, मींस आप ये समझो कि पॉलिनेशन ये गारंटी प्रोवाइड नहीं करता कि एक कंपैटिबल, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपैटिबल पॉलन का ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है ना, स्टिग्मा पे। मींस पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन कंपैटिबल पॉलन ऑफ सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑन द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल। तो आप इनकम्पैटिबल और कंपैटिबल का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए रोज़ का, जैसे रोज़ है, सपोज कर लीजिए, मैं एज ए एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, या कोई और आम ले लेते हैं, ठीक है, पी प्लांट ही ले लेते हैं। तो अगर हो सकता है कि पॉलन जो है वो जो ट्रांसफ़र हुए हों वो किसी अदर स्पीसीज़ के हों, राइट टाइप के पॉलन ना हों, तो ऐसे केस में पॉलिनेशन तो हुआ बट वो इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल का मतलब उसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलन लैंड करेगा स्टिग्मा पे, ठीक है, और जैसे ही वो लैंड करेगा, पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर दिस इज राइट टाइप और रॉन्ग टाइप, ये राइट टाइप है या रॉन्ग टाइप का पॉलन है। तो आप देखो कि अगर इफ़ इट इज़ राइट टाइप, द पिस्टल एक्सेप्ट कर लेगा पॉलन को एंड प्रमोट करेगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट के बारे में, मतलब पॉलिनेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जैसे वो बोलते हैं ना, उसमें ऐसे पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस, वो प्रमोट हो जाएगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट की तरफ अगर राइट पॉलन होगा। अगर रॉन्ग होगा तो उसी समय उसको क्या कर देगा, वो रॉन्ग टाइप का पॉलन होगा तो क्या करेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो ये एक रिजेक्शन और सेलेक्शन की जो कैपेसिटी है पिस्टल के अंदर, ठीक है, आ रहा नहीं समझ में, ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि वो रॉन्ग टाइप और राइट टाइप के पॉलन को कौन कंपैटिबल है और कौन इनकम्पैटिबल है दोनों को, ठीक है ना, जज कर सकता है। अब आगे आते हैं हम लोग इसमें। आप देखो ये बना हुआ है पॉलन ट्यूब, एंटीपोडल, पोलर न्यूक्लियाई, एक्सेल, सिनर्जिड, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है फ्लावर का। फिर आप देखो यहाँ पे ये मेल गैमिट है, ठीक है, और फिर ये आप देखो यहाँ पे ए जो है पॉलन ग्रेन है जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा, ए वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर पॉलन ग्रेन है। पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, ये पॉलन ट्यूब है, बी वाला फिगर, और सी वाला तो मैंने बताया ही अभी आपको। उसके बाद आप देख लो डी वाला जो है इनलार्ज व्यू ऑफ एग एपरेटस, ठीक है ना, शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन, जिसमें ये शो कर रहा है कि पॉलन क्या कर दिया है, एंट्री कर दिया इनटू सिनर्जिड। ई है डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमिट इनटू सिनर्जिड, मेल गैमिट डिस्चार्ज हो गया सिनर्जिड में, मोमेंट ऑफ स्पर्म वन इंटू एग एंड अदर इंटू द सेंट्रल सेल, तो एक एग में और एक सेंट्रल सेल में दोनों में मेल गैमिट की एंट्री, ये फिगर है, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। तो हमने यहाँ डिस्कस किया था पोस्ट पॉलिनेशन, इवेंट को लेकर के, दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन इफ़ द पॉलन इज रॉन्ग टाइप द पिस्टल रिजेक्ट, मैंने पहले बताया, एंड प्रिवेंटिंग द पॉलिनेशन पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगा और पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा उसको, ठीक है ना, प्रिवेंट करेगा। आर द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, द एबिलिटी टू पिस्टल रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल। ये जो एबिलिटी डेवलप्ड हुई है पिस्टल में वो किसके वजह से हुई है, कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल की वजह से। तो चूँकि ये प्रोसेस लगातार होता है, ठीक है ना, और इसलिए पिस्टल के अंदर ये एबिलिटी आ जाती कि वो सेलेक्ट कर पाए कौन सा रॉन्ग टाइप है कौन सा राइट टाइप है।
द डायलॉग इज मीडिएटेड बाई केमिकल, और ये सब कुछ जो उसको सेलेक्ट करने या रिकॉग्नाइज करने का जो काम है वो किसकी वजह से होता है, केमिकल कंपोनेंट के वजह से होता है। केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज पिस्टल, जो केमिकल कंपोनेंट पॉलन के पिस्टल से इंटरैक्ट करते हैं। इट इज़ द ओनली रिसेंट ईयर बॉटनिस्ट हैव एबल टू आइडेंटिफाई, और इधर कुछ सालों में बॉटनिस्ट ने उसको खोज भी निकाला है कि वो कौन सा केमिकल है जिसके वजह से पॉलन और पिस्टल कंपोनेंट के अंदर पाए जाते हैं, जिसके वजह से रिकॉग्निशन का वर्क प्रोसेस होता है। मतलब किस तरीके से वो उसको एक्सेप्ट कर पाता है, उस तरीके से उसको क्या कर पाता है, रिजेक्ट कर पाता है। तो ये यहाँ तक आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर एज मेंशन अर्लियर द कंपैटिबल पॉलिनेशन, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब एंड थ्रो वन ऑफ द जर्म पोर, किसी एक जर्म पोर। अब ये जर्म पोर वाला मैंने फिगर आपको बताया था, ठीक है ना, एक मिनट मैं फिगर देखता हूँ। जर्म पोर वाला फिगर मैंने एक बताया था आपको कि जर्म पोर होता है, और वो जो जर्म पोर है वहीं से एंट्री होती है, नहीं सॉरी, सीड का वो जर्म पोर था। एक मिनट, ओके, मैंने कहीं रख दिया हुआ है। तो यहाँ तक हम लोग अभी कवर करते हैं, ठीक है ना, वीडियो लंबी हो जाएगा, फिर हम लोग आगे इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर जो मेल स्ट्रक्चर जो है डी और ई, उसको डिफाइन करेंगे। ओके।